हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे यदि बात करें दोस्तों इस टॉपिक की तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से जिसमें जोग्रफी पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये ठीक है इसके अलावा इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे देखिए जब हम वायुमंडल को स्टडी करते हैं या फिर एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं तो हम दो प्रकार से उसको पढ़ते हैं एक तो वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं इसके अलावा वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं ना कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः संरचना या फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे है, है तो ये लेयर जो होती हैं अलग अलग वायुमंडल में ये क्या होती है इनकी क्या विशेषता होती है क्योंकि हर एक लेयर की अलग विशेषता होती है अलग अलग गैसें यहां पर पाई जाती है अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है अलग अलग वायुमंडलीय घटनाएं हमें यहां पर देखने को मिलती है ठीक है तो टॉपिक को को आज हम पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वायुमंडल वायुमंडल शॉर्ट में में बता देता हूं। क्या है मैं साधारण भाषा में आपको तो हमारी पृथ्वी के चारों और जो लगभग हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का जो एक घेरा है ठीक है उसको ही हम क्या बोलते, है? बोलते है, तो हम हैं वायुमंडल बोलते हैं ठीक है ठीक है थीके? तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों छोभ मंडल तो जो सबसे पहली लेयर होती है हमारी वायुमंडल की उसको हम बोलते हैं छोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्तियर ठीक है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं ये बच्चों ध्रुवों पर है ना यदि मैं यहाँ पर अर्थ बनाऊ इस प्रकार से तो ध्रुवों पर ये लगभग आठ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और इक्वेटर पर लगभग इक्वेटर पर लगभग अठारह किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है ना इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक मैप में मैंने बताया है ठीक है ये हमारी अर्थ हो गई और ये इसका ऊपर वायुमंडल हो गया ना वायुमंडल क्या है चारों ओर जो वायु या फिर गैसों का जो घेरा है उसको ही हम वायुमंडल बोलते हैं और इसकी जो सबसे पहली लेयर है कौन सी है शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्टर है ना एक एक करके हम सारी लेयर डिस्कस करेंगे पहली लेयर है शोभ मंडल तो देखिए ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है आठ किलोमीटर ये पोल्स हो गए मान लीजिए ये पोल्स नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ठीक है तो इसके चारों ओर तो ध्रुवों पर ये आठ किलोमीटर ऊंचाई होती है इसकी और इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है अठारह किलोमीटर होती है या फिर विश्ववत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है अठारह किलोमीटर होती है ठीक है तो यह बात आपको याद रखना कि छोब मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई या फिर पोल्स पर इसकी जो हाइट हाइट होती है एट किलोमीटर होती है जबकि इक्वेटर या फिर विश्ववत रेखा पर इसकी ऊंचाई अठारह किलोमीटर होती है ठीक है सबसे पहला पॉइंट यह याद रखना है देखिए यहां पर लिखा है छोभ मंडल की ऊंचाई पोल्स पर कितनी आठ किलोमीटर और विशुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और एवरेज यदि आप बात करेंगे तो एवरेज कितनी एवरेज लगभग 15 किलोमीटर इसकी हाइट होती है ठीक है तो तीनों फैक्ट याद रखना है तीनों इंपॉर्टेंट है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि इसकी ऊंचाई अलग अलग क्यों है पोल्स पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा आप बता रहे हैं है ना इसके अलावा रेखा या फिर इक्वेटर में ज्यादा जा, बता रहे हैं यहाँ पर कम थी तो ऐसा क्यों है तो देखिए उसका एक रीजन है आपको पता होगा कि इक्वेटर पर सर्वाधिक टेम्परेचर पड़ता है या फिर आप देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, है ना यदि मैं आपको बताऊं ये इक्वेटर हो गई जीरो डिग्री अक्षांश ये कर्क रेखा होगी ये मकर रेखा होगी है ना तो आपको पता होगा ये वाला जो रीजन होता है सबसे गर्म रीजन होता है और खासतौर पर इक्वेटर वाला जो रीजन होता है जीरो डिग्री अक्षांश वाला जो रीजन होता है सबसे उष्ण और गर्म क्षेत्र होता है हमारी पृथ्वी का क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं और इनके ऊपर कृषि किरणें पड़ती हैं इस प्रकार से है ना तो इस कारण से ये वाला रीजन सबसे गर्म रीजन होता है हमारी पृथ्वी का अब देखिए जब ये सबसे ज्यादा गर्म होगा ये वाला रीजन तो यहाँ पर धरातल ज्यादा गर्म होगा और यहाँ पर जो भी पवने होंगी वो तो गर्म होकर के ऊपर उठेंगी या फिर यहां पर जो भी गैसें होंगी, तो हो होंगी वो गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक उठेंगी ठीक है गर्म होंगी वो हल्की होंगी और ज्यादा ऊपर तक उठेंगी जबकि पोल्स में क्या होता है पोल्स में यहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है आपको पता होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बर्फ से जमे हुए होते हैं यहां पर छह महीने की रात छह महीने के दिन हैं है ना तो यहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है इस कारण से यहाँ पर जो भी गैसें हवाएं होती हैं वो ठंडी रहती हैं और बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती है ना इस कारण से इक्वेटर पर इनकी ऊंचाई लगभग 18 और पोल्स पर इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर के लगभग होती है तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए ठीक है कि इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा है इसलिए गर्म होकर के गैसें ज्यादा ऊपर तक उठेंगी जबकि पोल्स में ठंड ज्यादा है इस कारण से वहां पर ज्यादा ऊपर तक गैसें नहीं उठ पाएंगी ठीक है तो ये रीजन है इसके अलावा एक और रीजन इसके पीछे होता है लेकिन मेन रीजन इसका यही है ना मेन रीजन जो अभी मैंने आपको पहले बताया वही वाला है कि इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी होती है गैसें ज्यादा ऊपर उठती हैं। लेकिन कुछ न्यून मात, मतलब अल्प तौर पर आप देखेंगे तो एक रीजन ये भी होता है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटी कम होती है इक्वेटर पर ठीक है जबकि ध्रुवों द्रो, पर क्या होती है ग्रेविटी अधिक होती है अब ग्रेविटी क्या है गुरुत्वाकर्षण क्या है बच्चों गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ठीक है तो जब इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो गैसें हैं हवाएं हैं वो भी थोड़ा कम आ, मतलब ऊंचाई पर ज्यादा रहेंगी जबकि पोल्स पर अधिक होता है तो यहाँ पर गैसें नीचे ज्यादा पाई जाएंगे है ना तो एक ये रीजन भी होता है इसके पीछे लेकिन ये उतना मेन रीजन नहीं है मेन रीजन जो मैंने आपको बताया था वही है ठीक है चलिए इसके अलावा ये पढ़ लीजिए पूरा इसलिए छुव मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक जबकि ध्रोवों पर कम होती है ठीक है लेकिन मेन रीजन ये नहीं है मेन रीजन आपको वही वाला याद रखना है कि इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी होती है इस कारण से गैसे यहाँ पर गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक आ, उठ पाती है ठीक है चलिए इसके अलावा जितने भी बच्चों मौसमी घटनाएं होती हैं मौसमी घटनाओं से मतलब क्या है आप देखते होंगे वर्षा बादल आंधी तूफान जितनी भी मौसमी घटनाएं आप देखते हैं बिजली का चमकना ये सब इसी मंडल या फिर ये वाली जो लेयर होती है पहली लेयर क्षोभ मंडल यहाँ पर ही ये सारी घटनाएं देखने को ठीक है जितने भी आप आकाश में घटनाएं है देखते हैं बिजली का चमकना आंधी तूफान बादल बनना बारिश होना तो ये सभी घटनाएं कहां पर होती हैं ट्रोपोस्फेर में होती है जिसकी ऊंचाई एवरेज कितनी है पंद्रह किलोमीटर ठीक है तो ये बात रख, याद रखना इसके अलावा जो आप आकाश वर्ड यूज करते हैं आसमान वर्ड यूज करते हैं वो भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो आप क्षोभ मंडल के लिए ही यूज करते हैं ठीक है आगे डिस्कस करते हैं बच्चों इसको इसके अलावा ये जो मंडल होता है चूंकि पृथ्वी के सबसे पास स्थित है तो यहाँ पर जो भी गैसें वगैरह पाई जाती है ना वो काफी सघन अवस्था या फिर यहाँ पर जो गैसें होती हैं उनका घनत्व तो ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि ये सघन अवस्था में यहाँ पर होती है डेंस स्टेट में यहाँ पर पाई जाती है ठीक है गैसों का घनत्व तो ज्यादा होता है यहाँ पर भारी गैसें आपको देखने को मिलेंगी जैसे सी ओ टू एन टू जलवास्प है ना अब भारी गैसें क्यों पाई जा रही हैं आप देखेंगे मैक्सिमम जो भारी गैसें हैं ना वो आपको छोभ मंडल पर ही ज्यादा देखने को मिले जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जलवाष्प हो गई नाइट्रोजन हो गई ठीक है तो ये सभी गैसें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी और घनत्व भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी ठीक है इसके अलावा जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ने के साथ साथ घनत्व डेंसिटी भी कम होती जाएगी और विरल भी होती जाएंगी गैसें है ना मतलब उनमें घनापन या फिर डेंसिटी उनकी कम होती जाएगी हवाएं विरल होती जाएंगी तो आपको याद रखना है सर्वाधिक घनत्व आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है सर्वाधिक जो भारी गैसें होती हैं वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलती है भारी गैसें कौन कौन सी होती हैं सीओ टू नाइट्रोजन जलवाष्प ये सारी भारी गैसें हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं इस मंडल या फिर इस लेयर के कुछ अन्य नाम भी हैं और अधू तो में आता है उसको ही संवहन मंडल या फिर अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है ठीक तो है, आ, है, है। तो यह भी आपको याद रखना है संवहन मंडल क्यों बोलते हैं बच्चों क्योंकि यहां पर संवहन धाराएं चलती है देखिए जब पृथ्वी से गर्म होकर हवाएं या फिर गैसें ऊपर उठती है ना तो उनको ही क्या बोलते हैं हन धाराएं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके अलावा शोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों पर बढ़ जाती है और शीत ऋतु में कम हो जाती है अब देखिए जो ये ट्रोपोस्फेयर है या फिर शोभ मंडल है इसकी हाइट भी कम ज्यादा होती रहती है जैसे फॉर एग्जांपल यदि पृथ्वी के किसी हिस्से पर गर्मी पड़ रही है तो उस उस रीजन में छोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी बढ़ जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पर या फिर जहां पर भी ज्यादा गर्मी होती है ज्यादा उष्ण क्षेत्र होता है तो हवाएं या फिर गैसें क्या होती हैं गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक उठेंगी ठीक है तो गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी जबकि ठंड में इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी ठीक है तो ये बात भी आपको याद रखनी है इसके अलावा जो घरेलू विमान या फिर डोमेस्टिक एयर प्लान वगैरह होते हैं ना एयरक्राफ्ट होते हैं वो यहाँ पर ही उड़ान भरते हैं ठीक है देखिए जो वायुयान होते हैं बच्चों एरोप्लेन्स होती हैं एक तो होती है इंटरनेशनल फ्लाइट जो लंबी दूरी तय करती हैं लंबी दूरी के लिए उड़ान भरती हैं और एक होती हैं घरेलू घरेलू विमान जैसे मान लीजिए आपको कहीं से भी इंडिया के इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उनको हम क्या बोलेंगे घरेलू विमान तो कम दूरी के विमान जो होते हैं वो क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ान भरते हैं जबकि लंबी दूरी के जो विमान होते हैं एक देश से आपको दूसरे दो देश जाना हो तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब समताप मंडल को स्टडी करेंगे ठीक है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर घरेलू विमान भी यहाँ पर ही उड़ता है ऊंचाई पर ठीक है चलिए आगे बढ़ करते हैं इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तापमान घटता है ठीक है अब जितनी भी लेयर बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे हर लेयर की अलग खासियत है कहीं तापमान बढ़ेगा कहीं घटेगा कहीं सम रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ऊंचाई या फिर हाइट जैसे जैसे बढ़ती है तो तापमान भी क्या होता है कम होता है घटता है ठीक है इसके अलावा लगभग एक मीटर की ऊंचाई जाने पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है यदि आप पृथ्वी के सरफेस से एक मीटर की ऊंचाई पर लगभग जाएंगे तो क्या होगा एक डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा तो ये बात भी आपको याद इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सामान्य ह्रास दर ठीक है इसको मीटर की पर जाएंगे तो एक डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान कम हो जाता है इसको हम बोलते हैं सामान्य ह्रास दर ठीक है तो यह बात भी आपको याद रखना है इसके अलावा जो क्षोभ मंडल या फिर इसके अलावा एक और चीज देख लीजिए छोभ सीमा या फिर ट्रोपो पाज क्या होता है अब देखिए जो हमारा बच्चों छोव मंडल होता है ना तो छोव मंडल की एक ऊपरी लेयर होती है जैसे मान लीजिए ये छोव मंडल है ये छोव मंडल हो गया ठीक है तो छोव मंडल की जो ऊपरी एक लेयर होती है एक सौ डेढ़ किलोमीटर वाली ऊपरी जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं छोव सीमा ठीक है क्या बोलते हैं छोव सीमा या फिर ट्रोपोपॉज हम इसको बोलते हैं अब यहां पर क्या होती है पृथ्वी से जो बच्चों गर्म गैसें या फिर हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो क्षोभ सीमा तक जाती हैं और क्षोभ सीमा के बाद क्या आती हो, क्या हो, होती है? नीचे उतरती फॉर एग्जाम्पल so समझ लीजिए आप देख लीजिए लीजिए जैसे मान इक्वेटर इक्वेटर है 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 ना जीरो डिग्री है? है ना यहां से पवन क्या होंगी गर्म होकर के ऊपर उठेंगी है ना और ये क्षोभ मंडल है ये पूरा क्या हो गया क्षोभ मंडल हो गया और क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर हो गई क्षोभ सीमा तो यहां जाने के बाद क्या होती है पवन इस प्रकार से मुड़ती हैं और नीचे उतरती हैं इस प्रकार से इस प्रकार से नीचे उतरती हैं ठीक है तो इस लेयर को मतलब शोभ मंडल की जो ऊपरी लेयर होती है एक से डेढ़ किलोमीटर मोटी परत होती है उसको ही हम बोलते हैं छोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज हवाएं यहाँ पर बच्चों अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं क्योंकि यहाँ से जो भी पवन उठ रही थी यहाँ पर मुड़ती हैं क्षोभ सीमा में जाकर के और नीचे उतरती हैं इस कारण से यहाँ पर क्या होता है हवने जो भी हवाएं होती हैं या फिर पवन होती हैं काफी तीव्र गति से चलती हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जेट स्ट्रीम या फिर जो जेट धाराएं होती हैं वो भी कहाँ पर उड़ती हैं यहाँ पर ही उड़ती हैं तो ये बात भी आपको याद रखनी है ठीक है इसके अलावा एक बात और याद रखना कि ट्रोपोपॉज पर ज होती है फिर क्षोभ सीमा होती है यहाँ पर यदि आप ध्रुवों पर देखेंगे तो लगभग माइनस फोर्टी फाइव का टेम्परेचर हो जाता है इसके अलावा भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे ट्रोपोपॉज में तो लगभग माइनस एट्टी डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है ठीक है अलग अलग टेम्परेचर क्यों है क्योंकि वही अभी हमने डिस्कस किया था कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अलग है इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई अलग है इसलिए इसी कारण से ध्रुवों पर इसका टेम्परेचर अलग है और भूमध्य रेखा दे पर इसका टेम्परेचर अलग है ना अभी हमने देखा था कि एक मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग एक डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है तो ये बात भी आपको याद रखना है ठीक है तो ध्रुवों पर लगभग माइनस फोर्टी फाइव और पर लगभग माइनस एट्टी का टेम्परेचर हो जाता है ठीक है तो क्षोभ सीमा भी आपको याद रखना है छोव मंडल की ऊपरी लेयर होती है जहां पर पॉब्लम बहुत तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है थीके? तो ये था बच्चों हमारा छोव मंडल आगे हम बात करेंगे ठीक है आगे हम बात करते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रेडोस्फियर ठीक क्षोभ मंडल आपको समझ में आ गया कौन कौन से पॉइंट याद रखना एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहली बात तो इसकी ध्रुवों पर आठ किलोमीटर ऊंचाई होती है और इक्वेटर पर अठारह होती है एवरेज पंद्रह होती है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे सर्वाधिक डेंसिटी पाई जाएंगी गैसों की मैक्सिमम जो भारी गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जलवाष्प वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी ठीक है जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं बच्चों वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी ठीके? है ना वर्षा बादल इसके अलावा बिजली का चमकना ये सभी घटनाएं यहाँ पर ही होती हैं एक बात और मैंने बताया कि इसकी जो ऊपरी लेयर होती है उसको ट्रोपोपॉज या फिर छोब सीमा बोलते हैं जहाँ पर पवना जो धरातल से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो क्षोभ सीमा से ही नीचे उतरती हैं इस कारण से यहाँ पर हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं ठीक है थीके? तो ये सारे मेन मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया याद रखना है अच्छे से ठीक है चलिए अब हम समताप मंडल या फिर स्टेडोस्फेयर को देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होती है बच्चों इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग मतलब आप देखेंगे ऊपर ओवरऑल तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है पृथ्वी के सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल या फिर स्टेडोस्फिर ठीक है अब देखिए यहां पर क्षोभ मंडल में हमने क्या देखा था आठ किलोमीटर की ऊंचाई देखी थी पोल्स पर और यहां पर क्या देखी थी अठारह किलोमीटर की ऊंचाई देखी थी है ना तो यहां पर ये आठ से होगा पचास किलोमीटर तक ठीक है इसके अलावा यहाँ पर 18 से देखेंगे तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा ठीक है तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समताप मंडल की जो मोटाई होती है सर्वाधिक कहां पर होती है तो आपको याद रखना है पोल्स पर इसकी मोटाई ज्यादा होगी क्योंकि तो आठ से पचास यहां पर है ना इसके अलावा यहाँ पर अठारह से पचास है तो यहाँ पर कम होगी ठीक है ओवरऑल पचास किलोमीटर तक ये पाया जाता है तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना कि समताप मंडल की ऊंचाई आप पोल्स पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ठीक है ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है और आप इक्वेटर उसको टिक करके आ जाते हैं ठीक है तो याद रखना यहाँ पर आपको मोटाई इसकी ज्यादा मिलेगी ठीक है इसके अलावा ओवरऑल लगभग देखेंगे तो पचास किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है ध्रुवों पर मोटाई ज्यादा होती है विश्ववत रेखा की मोटाई कम होती है ठीक है तो अभी मैंने आपको ये चीज डिस्कस कराई इसके अलावा कोई भी मौसमी घटनाएं यहां पर नहीं होती है वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है अब क्या होता है जब क्षोभ सीमा बच्चों थी, थी मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे, बोलेंगे. बोलेंगे बच्चों है ना तो इसको समताप मंडल बोलते ही इसलिए है कि यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है लगभग सम रहता है ठीक है तो क्षोभ सीमा के कुछ ऊपर आप जाएंगे तो कुछ दूरी तक तो क्या होगा टेम्परेचर सेम रहेगा टेम्परेचर सेम रहेगा मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा ठीक है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं समताप मंडल लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक लेयर आपको मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर क्या बोलते हैं ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत ओजोन परत के पास जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर टेम, क्या होता है बढ़ने लगता है ठीक है टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने लगती है बढ़ने लगता है वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आगे देख लेते हैं देखिए प्रारंभ में क्या होता है तापमान स्थिर रहता है लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अचानक इसमें वृद्धि होने लगती है जैसे ही आप बीस किलोमीटर ऊपर जाएंगे क्या नाम है मतलब समताप मंडल के ऊपर तो यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है लेकिन पहले सम रहता है ये बात आपको याद रखना है तो ये बढ़ क्यों रहा है क्योंकि यहां पर ओजोन परत पाई जाती है ओजोन लेयर पाई जाती है ये ओजोन परत क्या है इसको भी जरा समझ लीजिए ठीक है देखिए ओजोन परत सबसे पहली बात याद रखना है कि ये कहा पाई जाती है तो ये समताप मंडल में ही पाई जाती है लगभग पंद्रह से लेकर के पैंतीस किलोमीटर की ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर पंद्रह से पैंतीस किलोमीटर की ऊंचाई पर ठीक है ये बात आपको याद रखना है कि ओजोन परत समताप मंडल या फिर स्टेडोस्फेयर के अंतर्गत ही पंद्रह से पैंतीस किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है एक पॉइंट ये याद रखना है इसके अलावा इसका काम क्या है और इस लेयर के आसपास से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है बढ़ने लगता है अभी हमने क्या देखा था शोभ मंडल में टेम्परेचर घट रहा था है ना टेम्परेचर क्या होता है घट रहा था एक मीटर की ऊंचाई पर एक डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था फिर हमने देखा समताप मंडल में जैसे ही आए तो कुछ दूरी तक तो स्थिर था लगभग आप देखेंगे 20 किलोमीटर तक ये स्थिर था और 20 किलोमीटर के वास्ते फिर से क्या होगा बढ़ने लगेगा टेम्परेचर अब बढ़ने लगा यहाँ पर क्यों क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है ओजोन लेयर क्या करती है बच्चों जो सूर्य से यूवी रेज आती है ना यूवी रेज को हिंदी में बोलेंगे अल्ट्रावायलेट या फिर परावैग्नि परावैगनी किरण है ना परावैग्नि या फिर इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस तो जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको ओजोन लेयर क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती है ना एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती तक उनको नहीं आने देती क्योंकि बच्चों ये यूवी रेस यदि धरती तक आएंगी और हम ह्यूमन या फिर जीव जंतुओं की यदि स्किन से टकराएंगी तो ये कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न कर सकते हैं और काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकती हैं ठीक है थीके? इस कारण से जो ओजोन परत होती है काफी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है तो आपको याद रखना है ठीक है ओजोन परत क्या करती है यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है ठीक है पंद्रह से पैंतीस किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके अलावा एक पॉइंट और जो अक्सर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है आपको पता होगा ती, तीव्र गति से जो ओजोन परत है बच्चों इसका क्षरण हो रहा है या फिर इसको हानि हो रही है क्यों हो रही है जो सी एफ सी गैस होती है इसको बोलते हैं क्लोरो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी को क्या बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ये जो गैस है बच्चों कहां से निकलती है रेफ्रिजरेटर हो गए एसी हो गए है ना फ्रिज हो गए तो इनसे ये गैसें निकलती हैं और लगातार ये ओजोन परत को क्या कर रही हैं हानि पहुंचा रही हैं ठीक है ठीके? और इसको कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ठीक है इस कारण से इसको संरक्षण लेयर भी बोलते हैं आपको याद रखना है और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है 1987 में हुआ था यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है तो जो सी एफ सी गैस या फिर अन्य जो गैसें हैं इनके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है या फिर ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित है तो ये बात भी आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा इसको संरक्षण लेयर भी बोलते हैं ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है आगे बात कर लें इसके अलावा जो बच्चों ओजोन लेयर है ये हमारे अंटार्कटिक के पास जो अंटार्कटिक महाद्वीप है यहाँ पर क्या हो रहा है होल बन रहा है ओजोन लेयर के ऊपर होल बन रहा है क्योंकि इसका तेजी से क्षरण हो रहा है तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर का सं, 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 संचरण कहाँ हो रहा है या इसको कहाँ जा सर्वाधिक हानि हो रही है तो अंटार्कटिका के पास हो रही है देखिए मैंने एक इमेज डाली है जो तो इसमें हानि पहुंची है इस लेयर में वो यहाँ पर ब्लू कलर से आपको बता रहा है ठीक है इसके अलावा 60 से पैंसठ डिग्री अक्षांश में भी यहां पर ओजोन लेयर की सर्वाधिक हानि हमें देखने को मिली ठीक है तो ये था बच्चों हमारा समताप मंडल आपको याद रखना है जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहां पर डिस्कस करा है ठीक है चलिए आगे डिस्कस करने से पहले अगली लेर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा यदि आप एस की तैयारी कर रहे हैं तो एस के लिए हमारा दो का टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया रीजनिंग हो गया जीके जी हो गया इंग्लिश हो गया ठीक है तो आपको करना क्या है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी है ना चलिए इसके अलावा यदि आप डी एस 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 सी कोड को यदि अप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलता है लगभग पाँच सौ रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है इसके अलावा यदि आप मुझसे जोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है वहां पर मैं वर्ल्ड ज्योग्रफी इंडियन जोग्राफी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हूं जोग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो सिंपली आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और बाकी सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आप वहां पर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं बच्चों थर्ड लेयर है थर्ड लेयर देख लेते हैं मध्य मंडल या फिर मीजो स्फेयर है ना दो लेयर हमने देख ली छो मंडल समताप मंडल अगली लेयर कौन सी है अगली लेयर है है या फिर ठीक तो ये लगभग बच्चों 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है 50 किलोमीटर तक हमने देखा था समताप मंडल है है ना तो इसके ऊपर 50 से 80 में लगभग मध्य मंडल या फिर मिजो स्फेयर होता है तो इसको भी देख लेते हैं इसकी ऊंचाई 50 से 80 है सबसे पहले ये या याद कर लीजिए इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है यहाँ पर उल्का और उल्काश्म की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है अब यह उल्काउलकाश में क्या है देखिए हमारे जो जब हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं या फिर ग्रह पढ़ते हैं सौर मंडल पढ़ते हैं तो उसमें दो ग्रह पढ़ते हैं एक है मंगल है ना और एक है बृहस्पति एक है बृहस्पति है ना या फिर मार्स और जुपिटर ये दो ग्रह आप पढ़ते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बच्चों बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशीय पिंड होते हैं जो इनके बीच होते हैं एक पेटी होती है जिसको हम बोलते हैं शुद्र ग्रह पेटी क्षुद्र ग्रह पेटी या फिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोइ्स बेल्ट है ना ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं ठीक है अब ये क्या होता है बच्चों यहाँ पर पृथ्वी है आपको पता होगा यहाँ पर अर्थ है तो क्या होता है कई बार मंगल की के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण और अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी और मंगल के एटमोस्फेयर में क्या हो जाते हैं एंटर हो जाते हैं पृथ्वी और अर्थ के एटमोसफेयर में क्या होते हैं एंटर हो जाते हैं और तेजी से उस ग्रह की ओर ट्रेवल करते हैं या फिर आते हैं अब होता क्या है वो समझिए थोड़ा अब होता क्या है जब कोई भी उल्का पिंड या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके वायुमंडल में प्रवेश करता है, है ना तो यहाँ पर जो ये मध्य मंडल होता है या फिर मीजोस्फियर होता है बच्चों यहाँ पर वायुमंडलीय घर्षण के कारण है ना अब ये भी पिंड होते हैं ना बच्चों कोई पिंड छोटा होता है और कोई पिंड क्या होता है बड़ा होता है, है ना ये चट्टानी पिंड होते हैं कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है कोई बहुत छोटा होता है अलग अलग साइज के होते हैं अनियमित आकार के होते हैं तो कोई निश्चित आकार नहीं होता तो जैसे ही ये मध्यमंडल में आते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण इनमें क्या होती है आग लग जाती है और ये वही जल करके समाप्त हो जाते हैं मैंने क्या बोला जैसे ही ये मध्यमंडल में आता है हमारी वायुमंडल के लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आता है तो इनमें आग लग जाती है और ये समाप्त हो जाती है ठीक है अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पर क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी गैसें होती हैं गैसों में घर्षण होता है जैसे ही ये पिंड आता है और उससे इसमें आग लग जाती है ना अब क्या होता है यदि छोटा पिंड है तो आग लग करके वहीं पर समाप्त हो जाएगा लेकिन बड़ा पिंड होगा तो पृथ्वी से टकरा जाएगा है ना पृथ्वी से टकरा के विशाल गर्त का निर्माण करता है जैसे हमारे यहाँ लोनार झील है महाराष्ट्र में है ना तो वो इसी उल्का पिंड के टकराने के पश्चात बनी है इसके लिए आप देखेंगे साइवेरिया वाले रीजन में बहुत ज्यादा उल्का पिंड गिरते हैं ठीक है तो ये हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम कभी प्लेनेट वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अभी आपको बस ये

आगे बात करते हैं मध्यमंडल मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिर करके लगभग हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो जाता है ठीक है देखिए जो ये मध्यमंडल है ना बच्चों देखिए जितने भी मंडल या जितने भी लेयर में आपको पढ़ा रहा हूं ना तो इनके ऊपर की जो एक पतली सी लेयर होती है उसको उस मंडल की सीमा बोलते हैं जैसे मध्यमंडल की भी सीमा होती है क्षोभ सीमा भी हमने पढ़ी थी उसी प्रकार से समताप मंडल की भी सीमा होती है तो हर मंडल की अपनी सीमा होती है, है ना इसको हम बोलेंगे मीजोस पास बोलेंगे इसको ठीक है तो यहाँ पर इस सीमा पर इसकी ऊपरी लेयर पर टेम्परेचर कितना होता है लगभग हंड्रेड डिग्री माइनस का हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो जाता है अब आपको एक बात याद रखना है कि पूरे वायुमंडल में निम्नतम जो तापमान होता है वो इसी लेयर में होता है ये इसी सीमा पर आपको देखने को मिलता है जिसे हम बोल रहे हैं मध्य सीमा तो वायुमंडल में निम्नतम तापमान आपको यहीं पर ही रिकॉर्ड मिलता है माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वायुमंडल का निम्नतम तापमान कहां देखने को मिलता है तो मध्य सीमा में देखने को मिलता है माइनस डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यह बात आपको याद रखना है आगे बात करते हैं ट बादल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा नॉकटील्यूशेंट बादल है ना एक खास प्रकार का बादल है जो मध्यमंडल में देखने को मिलता है अभी मैंने आपको बताया था जितने भी बादल वगैरह हैं आकाशीय घटनाएं हैं ये में देखने को मिलती है लेकिन खास प्रकार का एक बादल है नॉकटील्यूशेंट बादल वो आपको मध्यमंडल में देखने को मिलता है हालांकि ये वर्षा वगैरह नहीं करता बस इसका आपको नाम याद रखना है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आयन मंडल आयन मंडल देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कहां होती है अस्सी से लगभग 640 किलोमीटर हाइट होती है कहीं कहीं 400 लिखा मिलता है अलग अलग मिलता है लेकिन इसकी ऊंचाई भी कम ज्यादा होती रहती है अभी हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको 80 से 640 सौ यहां पर याद करना है, ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसमें अब देखिए इसमें क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है तापमान इसमें हाइट के साथ साथ इंक्रीज होता है अभी हमने देखा था कि इसके पहले वाला जो मंडल था मध्य मंडल यहाँ पर इसकी सीमा पर लगभग माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था इसके बाद ता, तापमान क्या होगा इंक्रीज होने लगेगा ठीक है यहाँ पर विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंग है। रे, रेडियो तरंगें जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं या फिर परावर्तित होने लगती हैं तो पहला पॉइंट आपको याद रखना कि बच्चों आयन मंडल या फिर आयनोस्फियर में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं इस लेयर से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। अब देखिए ये जो आ, लेयर होती है ना बच्चों आयन मंडल इसमें बहुत सारी अलग अलग लेयर होती है जैसे डी लेयर होती है एक फिर ई होती है एफ होती है जी तो ये इसके अंतर्गत ही आती है डी लेयर ई लेयर एफ लेयर, लेयर और जी लेयर ठीक है ये ले लेयर किसका पार्ट है आयन मंडल का ही पार्ट है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर डी से क्यों स्टार्ट है ए से क्यों नहीं है तो इसके पहले जो अपन ने तीन लेयर पढ़ी है मंदल, मंदल और मध्य मंडल इनको ए लेयर बी लेयर और सी लेयर बोलेंगे ठीक है और आयन मंडल के अंदर थी ये चार लेयर होती है डी लेयर ई e लेयर एफ लेयर और जी लेयर ठीक है तो आपको याद रखना अब ये क्यों होती है अब देखिए अब यहां से जो डी ई और एफ ये तीन लेयर है डी ई और एफ यहां से अलग अलग रेडियो तरंगे परावर्तित होती है ठीक है जैसे जो उच्च रेडियो तरंगें होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगें होती हैं फिर मध्यम फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगें होती हैं जो शॉर्ट रेडियो तरंगें होती हैं शॉर्ट वेव्स होती हैं तो ये अलग D, e F, अलग डी ई और एफ अलग अलग जो ये लेयर हैं इनसे परावर्तित होती हैं तो ये बात आपको याद रखना है ठीक है आगे बात करते हैं यहाँ गैसों का आयनीकरण भी हो जाता है यहाँ पर क्या हो रहा है गैसों का आयनीकरण होता है ये आयनीकरण क्या है इसको हम समझ लेते हैं देखिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ठीक है इन गैसों के जो कण होते हैं बच्चों ये हल्के होकर के आयन मंडल में आते हैं है ना हल्के होकर के आयन मंडल में आते हैं और इन कणों का क्या हो जाता है आयनीकरण हो जाता है आयनीकरण मतलब क्या है अब देखिए मैंने आपको एक चीज पहले समझ लीजिए कि सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं बहुत अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं जैसे एक्स किरणें हो गई गामा किरणें हो गई किरणें हो गई ठीक है इसके अलावा प्रकाश किरणें हो गई अवरक्त किरणें हो गई है ना तो प्रकाश किरणें आपको पता होगा धरती तक आती हैं परावैग्निक किरणें अभी हमने पढ़ा था समताप मंडल के अंदर यूवी रेज जो इसके लिए ओजोन लेयर थी है ना वो हमने डिस्कस किया था इसके अलावा एक चीज आपको याद रखना एक्स किरणें और जो गामा किरणें होती है, है ना वो जब इस लेयर में आती हैं कौन कौन सी एक्स और गामा एक्स और जो गामा किरणें होती हैं सूर्य की जब वो इस लेयर में आती हैं, तो यहां पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण हल्के होकर के आए थे इनका आयनीकरण कर देती हैं। आयनीकरण कर देने से मतलब है इनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना इनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन कणों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देती हैं क्या कर देती हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देती हैं प्रोटॉन में आपको पता होगा यहाँ पर प्लस साइन होता है और माइनस साइन होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन में ठीक है तो प्लस और माइनस में ये तोड़ देती हैं ठीक है जब ये तोड़ देती हैं तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले जाते हैं लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों प्रोटॉन इसकी जो ऊपरी वाली लेयर है ये जी लेयर है है ना यहाँ पर ये यह इकट्ठे हो जाते हैं ये प्रोटोन के कण है ना जो कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के हल्के कण थे है ना तो ये इसको हम बोलते हैं गैसों का आयनीकरण यहाँ पर लिखा है ना यहाँ पर गैसों का आयनीकरण हो जाता है आगे और डिटेल में हम देखेंगे आपको क्लियर होगा ठीक है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कण हल्के होकर के ऊपर जाते हैं और इनका आयनीकरण हो जाता है आयनीकरण का मतलब वही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये टूट रहे हैं ठीक है प्रो, प्रोटॉन में प्लस साइन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन होता है इलेक्ट्रॉन के कण ऊपर चले जाते हैं और प्रोटॉन के जो कण होते हैं यहां पर ऊपर वाली जी लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है ये बात आपको याद रखना है एक्स गामा इनका आयनीकरण कर देती है सूर्य इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं तथा प्रोटॉन यहीं रह जाते हैं इसी को आयनीकरण कहते हैं ठीक है इसलिए इस मन, ये जो मंडल है दिन में फैल जाता है और रात में सिकुड़ जाता है ठीक है तो दिन में क्या होता है दिन में ये घटनाएं होती हैं इस कारण से दिन में ये फैल जाता है ना इसके अलावा रात में ये सिकुड़ जाता है तो ये बात भी आपको याद रखना ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई आयनीकरण की ये दिन में होती है इस कारण से दिन में ये फैल जाता है और रात में सिकुड़ जाता है ये बात भी आपको याद रखनी इसके अलावा जब सूर्य की कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो जी लेयर से टकरा करके लाइट उत्पन्न करती हैं अब देखिए बहुत सारी मैंने किरणें बताया सूर्य की उसमें से एक कॉस्मिक किरणें होती हैं जब पृथ्वी की इस लेयर पर ये आती हैं है ना और ऊपरी वाली ये जो जी लेयर है इससे जब ये टकराती हैं सूर्य की किरणें तो यहाँ पर मैंने आपकी अभी आपको बताया ये प्रोटोन की जो प्लस कर्ण थे ये वाले है ना तो इनसे ये टकराती हैं और एक ज्वाला उत्पन्न करती है एक रोशनी उत्पन्न करती है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय ज्वाला जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय ज्वाला क्या बोला मैंने सूर्य की कौश्मिक किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर आकर के जब इन प्रोटॉन कणों से टकराती है तो यहां पर ज्वाला उत्पन्न करती है इनको उत्तरी ध्रुवों पर क्या बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस ठीक है और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेसिस तो ये बात भी याद रखना है ना इन प्रोटोन के कणों से टकरा करके ये ज्वाला उत्पन्न कर रही है यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार की कुछ ज्वाला उत्पन्न करती है अब ये आप, आप अपने घर से बैठ करके नहीं देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव के आसपास जो देश वगैरह है वहां से वहां से ही ये दिखाई देती हैं हर जगह से आपको ज्वाला दिखाई नहीं देती ठीक है थीके? तो इस प्रकार की कुछ ज्वाला उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आपको दिखाई देती है ठीक है तो ये बात भी याद रखनी है चलिए अब लास्ट मंडल हम देखते हैं जिसको हम बोल रहे हैं बहिर्मंडल मंडल या फिर एग्जोस्फियर तो लगभग 640 से लेकर के हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है ठीक है इसमें क्या है इसकी ऊंचाई देख लीजिए 640 से लगभग हजार किलोमीटर इस परत की बहुत अधिक जानकारी नहीं है अभी भी इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है अब देखिए जो ये वहिर मंडल है काफी ऊंचाई पर स्थित है 640 से हजार किलोमीटर तक तो इसके बारे में अभी बहुत अधिक जानकारी नहीं है जितनी जानकारी है वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे लगातार इसके बारे में अनुसंधान जारी है वैज्ञानिकों के द्वारा ठीक है यहाँ ध्रुवीय उपग्रह या फिर पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं ठीक है ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं बच्चों पोलर सैटेलाइट सेटेलाइट क्या होते हैं जो ध्रुवों से ध्रुवों की ओर परिक्रमा करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैंने मैप डाला है ये देखिए पृथ्वी के ध्रुव से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस प्रकार से ये परिक्रमा करते हैं ये इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह है या फिर पोलर सैटेलाइट, ये काफी स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं है ना और इनका काम क्या होता है मौसम संबंधी जानकारी जैसे ये देते हैं ठीक है तो आ, क्योंकि काफी कम टाइम में इनको जा, जानकारी देना होती है इसलिए ये काफी तेज गति से पोल टू पोल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं आपको याद रखना इनको निम्न कक्षा या फिर लोवल लोअर ऑर्बिट उपग्रह भी कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है निम्न कक्षा उपग्रह या फिर लोअर ऑर्बिट उपग्रह भी कहा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो ध्रुवी उपग्रह होते हैं या फिर पोलर सैटेलाइट होते हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं तो बहिर्मंडल में पाए जाते हैं आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा लगभग बच्चों हजार किलोमीटर तक ही हमारा ये वायुमंडल होता है इसके बाद लगभग आप देखेंगे तो ये वायुमंडल खत्म हो जाता है है ना ये लास्ट लेयर होती है हमारी आपको याद रखना है देखिए हजार किलोमीटर के ऊपर चुंबक मंडल कहा जाता है ठीक है हजार मंडल तक हम ये वायुमंडल को स्टडी करते हैं इसके ऊपर जो होता है उसको हम चुंबक मंडल बोलते हैं और फिर लगभग छत्तीस एक बात और याद रख लीजिए छत्तीस किलोमीटर की ऊंचाई के बाद हम इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेस है ना स्पेस और हज़ार के ऊपर क्या बोल रहे हैं इसको हम चुंबक मंडल बोल रहे हैं ये बात आपको याद रखना है इसमें भी विद्युत आवेश कणों की अधिकता होती है जो ये बहिर्मंडल है इसमें भी विद्युत आवेशित कण काफी ज्यादा होते हैं इसके अलावा यहाँ पर क्रमशः नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम और हाइड्रोजन आदि गैसों की अलग अलग लेयर होती है ना जो भी गैसें होती हैं वो अलग अलग लेयर में होती हैं यहाँ पर उनकी स्वयं की लेयर होती है जबकि नीचे वाले जो हमने मंडल पढ़े छोभ मंडल समताप मंडल मध्यमंडल यहां पर मिश्रित अवस्था में गैसें होती हैं, लेकिन यहां पर क्या होती हैं? अलग अलग लेयर में ये गैसों, गैसों की ये लेयर पाई जाती हैं। इसके अलावा साठ हजार किलोमीटर के ऊपर स्पेस कहा जाता है ठीक है साठ हज़ार के ऊपर स्पेस कहा जाता है इसके अलावा हज़ार के ऊपर चुंबक मंडल कहा जाता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है तो ये बच्चों हमने यहाँ पर पांच मंडलों को डिस्कस किया है जो हमारे वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत आते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकते थे ये सभी एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पी का एग्जाम हो कोई भी पॉइंट यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया यदि कोई भी डाउट होता है तो फिर आप कमेंट में मुझसे सकते हैं अगले लेक्चर में आपको कोशिश करूंगा बता दूं उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं ठीक है ठीके? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक है इसके अलावा इसका यदि आपको एमसीक्यूज लगाना है बच्चों इस टॉपिक का तो आप हमारे रूट चैनल में जाकर के वहां पर एक एमसीक्यूज वाला मैंने डाला है वायुमंडल से आने वाले क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न तो वो आप वहां पर एमसीक्यूज लगा सकते हैं ठीक है तो आपका चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो रूट हमारे जो नया चैनल है वहां पर जाकर आप उस एमसीक्यूज का वीडियो देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा यदि बच्चों आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं मेरा बैच वहाँ पर लाइव है तो आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे करें मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें जय हिंद